दो तरह का होता है। नंबर वन रिडक्शन होता है रोस्टिंग से, दूसरा होता है कैल्सिलेशन से। बहुत आसान है रोस्टिंग, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। वैसे थोड़ा बचकाना है लेकिन मैं भी बच्चा था और मैं भी स्कूल में था, मैं स्कूल में था तो मैं याद कैसे करता था। देखो भैया रोस्टिंग और कैल्सिलेशन दोनों का इस्तेमाल किस लिए होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्साइड बनाने का काम करते हो आप। यहां पर अगर मान लो कोई आपके पास सल्फाइड है उसको ऑक्साइड में बदल दो, कार्बोनेट है उसको ऑक्साइड में बदल दो, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है। सो इन दैट केस आपको ध्यान से देखना, रोस्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है क्या, है ना, इनिशियली रोस्टिंग में ओ दिख रहा है। आप तो ये तक हो कि कैल्सिलेशन में भी दिख रहा है, लेकिन कैल्सिलेशन में शुरू में नहीं दिख रहा, लास्ट में दिख रहा है, तो इसमें कोई अहमियत नहीं। मैं बच्चा था तो मैं ऐसे याद करता था, तो मैं कहता था कि रोस्टिंग में ओ दिख रहा है, ओ में ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, रोस्टिंग का मतलब ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हियर द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। रोस्टिंग में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको रोस्टिंग में ना एस भी दिख रहा है, आप कहोगे अच्छा यहां तो नहीं है, थैंक गॉड कैल्सिलेशन में नहीं है। अब आप देखो यहां पर रोस्टिंग में ओ भी दिख रहा है, रोस्टिंग में एस भी दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को। यहां पर हमें ओ दिख रहा है मतलब ये हो गया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर हमें एस दिख रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलता है। कितना मजेदार आपको मैं ट्रिक बताया बच्चों के जैसा, मैं ना ऐसे ट्रीट करता हूं कि मैं भी फील कर रहा हूं, मैं खुद एग्जाम दे रहा हूं तो मैं कैसे याद करता, तो मैं सिंपल याद करता ये सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलता है, समझ में आ गया। और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना उसके तो काम होगा नहीं, क्योंकि सल्फाइड को अगर ऑक्साइड में बदलना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, बिना उसके कैसे होगा। सबको समझ में आया कि रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदला जाता है और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार यार समझ में आ गया हो तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लाइक किया क्या डूड, लाइक किया क्या डूड, जल्दी से बताओ, उसके बाद आगे चलेंगे। लाइक किया क्या डूड, सेशन को लाइक जरूर करना क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों के पास तभी पहुंचेगा जब आप लाइक करोगे। यार जिसका दिल बड़ा होता है ना लाइक वही करता है, तो आप सोचो कि आपका दिल बड़ा है क्या, क्योंकि लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, सिर्फ आपका दिल जाएगा, दिल बड़ा होगा तो पक्का आप लाइक करोगे। डूड करो, बहुत अच्छे। सो फाइनली रोस्टिंग बेसिकली सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने में काम आती है और उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वेरी इजी। बट इसके जस्ट अपोजिट में आ जाओ, कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन किससे शुरू होता है, सी से। इसमें आप लोग क्या करते हो, कार्बोनेट को बदलते हो ऑक्साइड में, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला जाता है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। उसका जस्ट सपोज लेना, यहां पर ऑक्सीजन जरूरत है, यहां पर नहीं है, यहां पर सल्फाइड को बदला जाता है, यहां पर कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में बदला जाता है। आय हाय क्या ट्रिक पकड़ी है, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में बदला जाता है। सबको समझ में आया, यहां पर सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट। सबको समझ में आ गया, दैट्स रियली ऑसम, बहुत अच्छे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या बहुत सिंपल है, जरा आप चेक करना, यहां पर सल्फाइड से ऑक्साइड, यहां पर कार्बोनेट से ऑक्साइड, here we don't need oxygen, here we have to use oxygen, खत्म, बल्ले बल्ले।